गाइस, आज फाइनली वीडियो इधर से शुरू होगा और इधर से ही वीडियो का शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सही तरीका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको एक चैलेंज लेना होगा, जैसे कि मैं आज ले रहा हूँ 9 days 9 vlogs, मतलब 9 दिनों तक मुझे लगातार व्लॉग शूट करना है और अपलोड करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मेरे पास बस एक ही इक्विपमेंट है और वो है मेरा मोबाइल फ़ोन। इसी में ही शूट करना है, इसी में ही एडिट करना है और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करना। सो 9 व्लॉग्स में दिस इज डे 1 एंड नाउ आई हैव टू क्रॉस इट। सो डे 1 अब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अब डे 2 में हम लोग जाएंगे तो डे 2 को ही क्रॉस करेंगे। इसी तरह से 9 दिन के बाद ये सारा का बोर्ड का सारा का जो व्लॉग है वो सब खत्म हो जाएगा। सो गाइस, बहुत दिन गैप हो गया वीडियो में, मैं ये जानता हूँ कि थोड़ा गैप हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना निकल रहा है, बस इसके वजह से वीडियो में गैप हो गया था। एंटायर ओडिशा में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर होता है तो वो अनुगुल में ही होता है। आप लोग अगर ओडिशा का न्यूज़ देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि अनुगुल में सबसे ज़्यादा गर्मी चल रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी में वीडियो बनाना बाहर जाके एकदम इम्पॉसिबल है। और शायद ही मेरे जैसा कोई ओडिया व्लॉगर कोई भी जाके बाहर ब्लॉग कर रहा होगा। ओडिया व्लॉगर तो वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जाके बाहर ब्लॉग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो नौबत है, क्योंकि वो सब अनुगुल में नहीं रहते। लेकिन अनुगुल में इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि मैं कूलर लगाया था, अब उसको बंद कर डाला। सो अब एक चैलेंज तो ले लिया है कि 9 days 9 vlogs आपको ज़रूर मिलेंगे, लगातार मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। और हमारा टाइम रहेगा 10 बजे, सुबह के 10 AM 10 बजे वीडियो जरूर अपलोड हो जाएगा और आपको वीडियो जरूर मिलेगा। सो गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी में वीडियो कैसे बनाया वो सब मैं सोच रहा हूँ, लेकिन एक चैलेंज लेना पड़ा। सो एक्चुअली क्या हुआ कि कल इवनिंग को मुझे कॉल आया, मेरा एक दोस्त है उनका एक कॉल आया, तो वो बोलते हैं कि भाई अब वीडियो कहाँ गया, वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। तो मैंने बोला कि भाई इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो कैसे वीडियो अपलोड करूं, हालत एकदम ख़राब हो जाता है, एक वीडियो शूट करने से अगर इतना पसीना निकल जाएगा तो वीडियो कैसे अपलोड होगा। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें एक चैलेंज ले लीजिए, आप कुछ भी ट्राई कीजिए, कुछ भी अपलोड कीजिए, लेकिन अपलोड कीजिए और थोड़ा ट्राई कीजिए कुछ लोगों को सिखाने के लिए। अब सारे के सारे लोग घर के अंदर बैठे हैं और वो सब चाहते हैं एंटरटेन होने के लिए, आप कुछ भी कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो ये सारा चीज़ मैंने स्टडी किया और सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज ले लिया जाए। मेरा जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग 18 से 24 के बीच में हैं, मतलब वो सब अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स वो सब देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा जितना भी सब्सक्राइबर्स हैं सुबह जब वो उठते हैं 10 बजे जब वो आते हैं तो वो एक व्लॉग देखें और मेरा वाला वो व्लॉग सुबह 10 बजे अपलोड हो जाए। तो ये रहेगा मेरा एक चैलेंज, इतना गर्मी में भी शूट होगा और बहुत सारा चीज़ होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जरूर दिखाने का ट्राई करूँगा। एनीवे अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीच हो गया, थोड़ा बाहर चलते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और थोड़ा रूम को ठंडा करते हैं। इसको ठंडा किया था लेकिन काम नहीं किया, क्या करें। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये जो चीज़ है, ये जो बोर्ड मैंने बनाया है, इसको मैं यहाँ पर चिपका देता, इस जगह पर चिपका देता, लेकिन इसको यहाँ पर चिपकाना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये जो सेटअप है इसमें कुछ और चीज़ें लगने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ आने वाला है जो लगने वाला है और इधर कुछ नाम वगैरह रहेगा, तो वो सब का तैयारी चल रहा है, वो सब जरूर आएंगे आगे, उसका बनावट चल रहा है, मेरा एक दोस्त उसको बना रहा है, तो देखते हैं कब वो बना के देते हैं, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये भी जगह स्पेस खाली है, इधर भी कुछ चिपकाएंगे, कुछ लगाएंगे जरूर, तो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जितने जल्दी हो सके वो बना दें तो अच्छा है, उसको लाके हम लोग इधर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको चिपका नहीं सकते, लेकिन इसको अगर चिपका दे तो अच्छा होता, डेली हम लोग क्रॉस करते और 9 days डेली व्लॉग्स करते। सो गाइज, 9 days 9 vlog का चैलेंज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये कर सकता है, 9 days को 18 days ले सकता है, कोई और भी ज़्यादा ले सकता है, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी चीज़ होगा क्योंकि 9 दिन इतना धूप में हम लोग व्लॉग नहीं कर सकते। मुझे प्रॉपर टाइम फिक्स करना पड़ेगा, इधर सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोस्त आते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो इसी तरह से टाइम गुजरता जाता है। तो मुझे प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस वक्त से इस वक्त के बीच में करना पड़ेगा वीडियो और अच्छे से इस वीडियो को एकदम क्रिएट करके लोगों के पास पहुंचाना होगा ताकि मेरा जो व्यूअर्स है वो बोर ना हो और वीडियो को एंजॉय करे। तो इसी तरह से मुझे सोचना पड़ेगा, कंटेंट हर दिन सोचना पड़ेगा 9 दिनों तक, और शायद मेरा जो बोली है वो सुधर जाए क्योंकि मेरा एसेंट ओडिया है और मैं किसी से हिंदी में बात नहीं करता, बस हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। और इतने दिनों से वीडियो बनाते बनाते मेरा बोली थोड़ा सुधर गया है, तो अच्छा होगा शायद मैं अगर 9 दिनों का ये चैलेंज लूँ और अच्छे से हर दिन वीडियो अपलोड करूँ तो शायद आपको पसंद आए, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। हमने सोचा था कि इवनिंग होएगा, सारे दोस्त आएंगे, हम लोग चिल बैठ के गप्पे सप्पे मारेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बारिश का थोड़ा हालत दिखाई दे रहा है, बारिश होने वाला है, शायद उस तरह का मौसम हो गया है।
सो कोई दोस्त आया नहीं, लेकिन मैं आ गया हूँ हम जहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। सो गाइस पीछे का मौसम आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बादल है आसमान में और बारिश का मौसम जैसे कुछ फील आ रहा है, शायद हो सकता है बारिश। लेकिन एक बात बोलूं, अगर बारिश सच में होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो 9 दिनों का प्लान है व्लॉगिंग का वो सब बर्बाद हो जाएगा और ब्लॉग हम कर नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते तो ब्लॉग कैसे करेंगे। और कैनिंग सेंटर वहां पर आ सकता हूँ। एनीवे दैट इज द ईस्ट साइड एंड दैट इज द वेस्ट साइड। तो आज सूरज कब ढला पता भी नहीं चला, क्योंकि आसमान में बादल आ गए हैं ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो लॉकडाउन 4.0 चल रहा है वहाँ पर क्या होता है कि इवनिंग को कोई दुकान खुला नहीं रहता, ये जो छोटे छोटे ये सब दुकान है ये सब खुला नहीं रहता, तो फिर भी ये देखिए लोग बाहर घूम रहे हैं, मतलब किसी का कोई काम हो रहा होगा, कोई बाहर गया होगा तो वापस आ रहा होगा, इस तरह का चल रहा है। तो ये लॉकडाउन उठा देना चाहिए, इसका नाम लॉकडाउन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लक है ही नहीं, सारे के सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, मैं भी बाहर घूम रहा हूँ कभी कभार, तो कोरोना वायरस शायद चला गया, मुझे लगता है उस तरह का जैसे माहौल हो गया है, मुझे लगता है कोरोना वायरस चला गया, बस दुकानें बंद रहते हैं इवनिंग को। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बाहर निकलना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तब इतना साउंड होता है, इतना ज़्यादा साउंड होता है, जो मिक्सर मशीन होता है वो बहुत साउंड करते रहते हैं और मेरा जो व्लॉग है वो ख़राब हो जाता है। मैंने दो बार ट्राई किया था कि बाहर जाके व्लॉग करूँ अच्छे से, शायद हो जाएगा एक वीडियो, लेकिन इतना साउंड होता है सुबह के वक्त कि वहाँ पर जाना मुश्किल है, और बाहर जाके व्लॉग करना तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर अंदर ही घूमना मेरे लिए अच्छा है और यहाँ पर ही व्लॉग करना अच्छा है। मैं बाहर जाऊँगा 9 दिन के अंदर, बहुत सारे और भी बहुत सारे कुछ चीज़ करना है, बस इतना नहीं है कि बस इधर ही घूमता रहूँ और इधर ही आपको व्लॉग दूँ, ऐसा नहीं है। पहला दिन है तो थोड़ा इधर ही ट्राई करते हैं, बारिश शायद कल नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो बाहर जरूर जाएंगे, जरूर शूट करेंगे, लेकिन लॉकडाउन के सारे नियमों को मान के। वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और बहुत जल्दी आपको 9 दिनों में 9 व्लॉग्स देने का कोशिश करूंगा, किसी दिन गैप नहीं करने का ट्राई करूंगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और यहाँ अब सोने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो लॉन्ग ग्रास अब ये लग चुका है और यहाँ पर अब मज़ा आ गया है। एनीवे गाइस दैट्स द वीडियो फॉर टुडे, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर स्वीट FN फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।